जाए बाबू पढ़े लाइनी करे है तो काम रेनी करे है तो काम। अरे पढ़ी लिखी जगाई रखे माए बाप। समझ सकते हैं कि हमारे झारखंड की संस्कृति कैसी है, जो यहाँ के दुखों को यहाँ की परिस्थिति को बयान करती है। और ऐसी संस्कृति को अगर बचाने के लिए सरकार आगे नहीं आती है तो ये शर्म की बात है। स्वर्ग समान रे स्वर्ग समान। खूबसूरत आवाज है, इतने लय में आप गाते हैं, संगीत कहीं सीखे कि नहीं? नहीं, हम तो संगीत कहीं नहीं सीखे। शादी से पहले जो कि आपको पता था कि ये झूमर नाचते हैं? हाँ पता था। फिर आपको लगा कि ये झूमर नाचने वाला के साथ में हमको शादी करना चाहिए? तो क्या कीजिएगा, मतलब मेरा मायके भी गरीबी था तो। मैं एआर बकारवी, ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और एक गीत, सांस्कृतिक गीत जो आप लोग अक्सर सुने होंगे, झारखंड के माटी दादा स्वर्ग समान रे, उस गीत की जो गायिका है रेवती महतो जी आज मेरे बीच में है। और इनके आप इनको देखकर पहचान पा रहे हैं कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनकी आवाज़ को हर कोई पहचानता है। और इनका घर कहाँ है ये मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि इनका निजी मामला है। तो रेवती महतो जी, मैंने किसान पहला ही गीत थी हमरा एक पाक कोनो ही नहीं, मैंने एकरा अमर बिहा का गुज जुमे नाचे तला और बिहा के बादों नाचे हला ताकर बादे एरकन आवे तला तो गुनगुनाए तला झूमर गावे तला। तो हमें सुने के कहते लियो कि हमको झूमर गाव मन करे से। अच्छा, तो एकरा कोला झूमर गावे तो एक गीत गाय के सुना तो तोर आवाज़ टा हमें सुनो। तो हमने सोच लिया ठीक है हमें एक तरह के गीत गाय के सुना दे। तो हम गीत गाय के सुना दिल तो एक ना तो इन तो पारि जब गावल है तो ठीक है हमारा गीत गाओ बार मैंने ये करो। अच्छा ठीक है, ये तो कहलो कि से तुहें गीत गावल है पारि जब तो है हमी भी बोली दिला कि नहीं हम नहीं गा गायब गीत टा ठीक है। लेकिन गाँवे घरे जे लोके सोचब थे उल्टा पुल्टा उठा के जन्मे उठा खातिर कोनो बात गलो ना बात गाँव घर के लोग पासे तो नहीं कहत कि इटा खराब करो कोई। अच्छा। तबे भलो कहत कि ना ठीके करो जैसे संस्कृति हमरा कर सामाजिक झुमर कहत तो संस्कृति बचाव के जन्ने तो खराब इतना दिन तक तो नहीं सुनियो कि गाँव लोग। अच्छा बताइए, आप बताइए चक्रधर जी कि ये गाना इतना बड़ा हिट हो गया, आपको लगा था कि आपकी पत्नी गाएगी तो इतना बड़ा हिट हो जीते? सबसे पहले आपको जोहार, वो तो हम नहीं सोचे थे कि इतना बड़ा मैंने इतना वायरल हो जाएगा, इतना मैंने इतना नहीं सोचे थे कि इतना हिट हो जाएगा जी। तो मैंने हम कुल झारखंड खेकियो तो से झारखंड और कुछ कह से जिन्हें मैंने हम झारखंडी गीत हमारा कर लेखक गोविंदलाल महतो तो अक्राक्टिन हमारा लेके सुनर आगू तक अटे कलियो नहीं एट करब और एट गावे। तो मैं बता दूं ग्रामीण टीवी में ये रेवती महतो जी है और इनका मैं घर भी देखा, मिट्टी का घर है और खपड़ेल का घर है। अभी तक इनको इंदिरा आवास नहीं मिला, सरकार की विशेष कोई योजना इनको नहीं मिली। खैर कोई बात नहीं है, ये झारखंड के लोग हैं और इन लोगों के दिलों में झारखंड के मिट्टी के प्रति जो संस्कृति के लिए जो प्यार है वो अपार है। आने वाले समय में हमारे झारखंड सरकार इस संस्कृति को बचाने के लिए क्या कदम उठाती है ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि ये लोग जितना हद तक हो सके, जैसे इन लोगों की हालत है, माली हालत है, उसे देखकर तो मुझे नहीं लगता है कि ये आने वाले समय में झारखंड को योगदान देंगे, झारखंड के कला संस्कृति को बचाने के लिए योगदान देंगे। अच्छा रेवति जी, आपका बेटा बेटी क्या है बताइए? मेरा दो गो बेटा है। दो बेटा है? हाँ, एक गो है
13 साल का और एक 11 साल। अच्छा, आप कहीं प्रोग्राम के लिए जाते होंगे, आपको देखकर लोग बहुत खुश होते होंगे, आपको कैसा लगता होगा? हमको अच्छा लगता, पूरा अच्छा लगता है। तो फिर आज अभी तो माँ बाप भाई बहन जो भी लोग कल नाराज थे वो तो खुश हो गए? वो लोग पूरा खुश है, मेरा माँ बाप बहुत खुश है। अच्छा, पता नहीं अब इनके माँ बाप खुश है? मेरे सासू माँ तो बहुत खुश है, बहुत खुश है। उन्हीं के लिए तो हम इतना आगे बढ़े हैं। अच्छा, देखिए इनके जो चक्रधर महतो जी की जो माता जी है वो अपने पुतोहू को प्रोत्साहित की, ये बहुत बड़ी बात है आज के समाज के लिए। ये सोचने वाली बात है कि मतलब मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, इनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं इनकी आवाज़ कैसी है और ये किस तरह। अच्छा, सबसे पहले आप कौन सा गीत आपका हिट हुआ था ये बताइए? हमारा सबसे पहले गाना हिट हुआ था, मतलब हम लोग का करम गीत के सुर में एक गाना गाए थे। जी जी, तो जाए बाबू पढ़ लाई गीत का नाम था। अच्छा। नहीं करे है तो काम रे, पढ़ी लिखी जगह रखा माए बाप का नाम रे। मातो जी आप बताइए कि अभी जो हालत है गांव देहात में, महंगाई आपको लगता है कि महंगाई बढ़ी है? हाँ, महंगाई तो बहुत बढ़ी है पहले से। जी, देखिए गैस का दाम भी 1053 रुपया हो गया, जो हमको तो लगता है कि बहुत सारे लोग करोड़ों लोग गैस भरा नहीं पा रहे हैं। हाँ। और आपको क्या कमी दिखता है हमारे गांव देहात में? गांव देहात में देखिए जैसे बिजली, बिजली मतलब एक घंटा के बाद फिर से कटता है, 10 मिनट रहता है फिर कट जाता है, मतलब बिजली का सुविधा एकदम नहीं है, बच्चा पढ़ नहीं सकता है बिजली के चलते। जी देखिए, ये रेवती महतो जी हैं और इनकी बात बड़ी दूर तक असर करेगी हमको पता है। शिक्षा को लेकर क्या बोलिएगा? शिक्षा को लेकर मतलब प्राइवेट स्कूल में होता है लेकिन सरकारी स्कूल जो है हम लोग का पढ़ाई एकदम नहीं होता है, क्योंकि शिक्षक उतना नहीं है। शिक्षक नहीं? हाँ, यानी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए आपके लिए। हाँ, शिक्षा व्यवस्था। और कमी क्या दिखाई पड़ती है शिक्षा और गांव देहात में? हॉस्पिटल वगैरह सारा चीज, डॉक्टर नर्स है? नहीं है। किसी की तबीयत खराब हो जाएगी तो दिक्कत है? पुरुलिया हम लोग दूसरा राज्य जाना पड़ता है, पुरुलिया। बताइए, झारखंड इतना अमीर है और यहाँ अगर किसी की तबीयत खराब हो जाएगी तो उनको दूसरा राज्य इलाज के लिए जाना पड़ता है। सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि हम उस सरकार को अच्छी तरह पता है कि हमारा झारखंड गाँव में बसता है, तो गांव में बसता है तो गांव की जो मूलभूत सुविधा है आज ये ही लोग, हम ही लोग 5 साल तक अपनी गाढ़ी कमाई का टैक्स भरते हैं और सरकार हम लोगों के लिए क्या करती है, सोचने वाली बात है। और ये रेवती महतो की बात है, ये झारखंड की आइकॉन है और झारखंड की रोल मॉडल है, झारखंड के लोग इनको फॉलो करते हैं, झारखंड के लोग इनकी गाना के बगैर कोई आंदोलन करते ना, शादी करते ना, विवाह करते ना, छठियारी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतनी बड़ी कलाकारा जब इस तरह की बात कह रही है तो और लोगों की हालत कैसी होगी। अच्छा, और इस YouTube Facebook के अलावे मतलब और कहीं से इनकम का जरिया आप लोग को नहीं लगता है ना? नहीं, इनकम का जरिया तो कहीं नहीं लगता। स्थिति बहुत दयनीय है। हाँ, स्थिति महतो जी जाते जाते एक बार वो जो जावा का गीत है, कर्मा का गीत है, उसको एक लाइन दोहरा दीजिए, क्योंकि अब कब आपसे मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे बहुत बड़ी बात है, उसको एक लाइन दोहरा दीजिए, क्योंकि हमारे वो खास करके जावा जो है कि भाई बहन का प्यार को दिखाता है और वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको लेकर जो आपको हाईलाइट किया, आपको दुनिया के सामने लाया कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप आगे भी गाइए, हम लोग इसी तरह प्यार देते रहेंगे दर्शकों के लिए, वो दो लाइन थोड़ा सा जी। जाए बाबू पढ़े लाए नी करे है तो काम रे, नी करे है तो काम। जाए बाबू पढ़े लाए नी करे है तो काम रे, नी करे है तो काम। अरे पढ़ी लिखी जगाई रखे माए बाप गना, अरे पढ़ी लिखी जगाई रखे माए बाप गना। पढ़ा सुना करा सबाई सुना हमर कथा गो, सुना हमर कथा एह पढ़ा लिखा गो के नहीं ले तो बाटा, एह पढ़ा लिखा गो के नहीं ले तो बाटा।
आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे झारखंड की संस्कृति कैसी है, जो यहाँ के दुखों को, यहाँ की परिस्थितियों को बयान करती है। और ऐसी संस्कृति को अगर बचाने के लिए सरकार आगे नहीं आती है तो ये शर्म की बात है। अच्छा, वो गाना जो आपका काफ़ी पॉपुलर हुआ, आज झारखंड के हर एक बेटा बेटी, हर एक हम जुलूस में देखते हैं कि उस गाना के बिना ना कोई जुलूस पूरा होता है, ना कोई कार्यक्रम पूरा होता है। आपका गाना बजेगा ही बजेगा, एक बार नहीं वो भी कई बार बजता है। वो गाना थोड़ा सा मेरा चैनल में गुनगुना दीजिए एक बार। अच्छा, गुनगुना तो कैसे गाते हैं जरा दिखाइए। झारखंड माटी दादा, झारखंड माटी दादा, स्वर्ग समान रे, स्वर्ग समान, यहाँ जन्मे भागे मान रे, स्वर्ग समान, यहाँ जन्मे भागे मान रे, स्वर्ग समान। अच्छा, एक बात आप बताइए, इतनी खूबसूरत आवाज है, इतने लय में आप गाते हैं, संगीत कहीं सीखे कि नहीं? नहीं, हम तो संगीत कहीं नहीं सीखे। हम घर में, हम बोल रहे ना, गाना पकाते पकाते समय हम गुनगुनाते थे जी, इसीलिए हम उस समय से। तो आपको ये उम्मीद था कि हम गाएंगे तो लोग पसंद कर लेंगे? हम जो पसंद करे चाहने करे, लेकिन हम दुए को गाना गाएंगे तो पसंद तो जरूर होगा, अच्छा गाएंगे तो पसंद नहीं होगा, तो इसीलिए हम गाए। तो ये रेवती महतो जी है जो झारखंड संस्कृति को, और जो है कि एक अलग अंदाज, एक अलग जान फूंक दी है, और आज हर एक झारखंड के बेटा बेटी इनके गीत के बगैर ना आंदोलन करते हैं, ना शादी करते हैं, ना विवाह करते हैं, ना कुछ पार्टी साटी करते हैं। आज कहीं भी देख लीजिए, इनके गाना के बगैर महफिल अधूरा है। मतलब समझ सकते हैं कि इनको लोग कितना पसंद करते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, शादी से पहले जो कि आपको पता था कि ये झूमर नाचते हैं? हाँ, पता था। पता था, तो फिर आपको लगा कि ये झूमर नाचने वाला के साथ में हमको शादी करना चाहिए? तो क्या कीजिएगा, मतलब मेरा मायके भी गरीब था। अच्छा। तो देखिए, अच्छा बोल ढूंढिएगा तो पैसा ज़्यादा लगेगा। अच्छा। तो मेरा माँ बाप दे नहीं पाएगा। अच्छा। तो लड़का मिला, दे दिया कि चलो भाई कुछ करके तो खिलाएगा। माँ तो लोग का चास बाड़ी देख के बेटी दिया जाता है। हाँ, चास बाड़ी देख के दिया गया था। चलिए, चास बाड़ी देख के दिया गया था, लेकिन सरकार को देखना है कि ऐसे कलाकार, ऐसे अनमोल कलाकार जो बिना संगीत सीखे, बिना कुछ गुण ज्ञान का इस तरह के गीत गा सकते हैं, जो हर दिलों में राज कर सकते हैं, ये बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। लेकिन ऐसे कलाकारों के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, क्या नहीं उठाएगी, ये तो आने वाले समय देखना पड़ेगा कि सरकार क्या कर रही है इन लोगों के लिए। अच्छा, सरकार से आप कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से हम कहना चाहते हैं कि देखिए, झारखंड का ये भाषा, संस्कृति, ये परंपरा, ये झारखंड का पहचान है। तो सरकार को हम कहना चाहते हैं कि इसको बचाए रखें, ज़रूरी है भाषा, संस्कृति, कलाकार जो लोग हैं उन लोग को ध्यान देना चाहिए। झारखंड में तो कोई माने कलाकार संस्कृति माने इस सब का कोई वैलिडे नहीं है, कहीं पर इसका नाम नहीं लिया जाता है कि वो कलाकार आए दो शब्द कहे, इसका कोई माने ये नहीं है। तो सर, और एक बात है कि आपने यहाँ की जो बेटियाँ हैं झारखंड की, माताएँ हैं, उनको आपने बहुत बड़ा ताकत दिया है मेरे नज़र से, क्योंकि हम देखते हैं कहीं भी प्रोग्राम में आजकल आपके गीत को लेकर लड़कियाँ उतर जाती है, बहनें उतर जाती है कि भाई हमको उसी गाना में परफॉर्म करना है, उसी गाना में डांस करना है। तो ये मतलब सोचने आज हर एक लड़की जो भी इस क्षेत्र में आना चाहती है, उसको भी कहीं ना कहीं ये रेवती माँ तो उनको ताकत दी है, उनका हौसला अफजाई की है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह का काम किया, और परिवार नहीं बल्कि गांव, अपने गाँव के लोगों को ही नहीं, परिवार के लोगों को ही नहीं, पूरे झारखंड के लोगों को एक मिसाल कायम कर दिया है।
और ये है रेवती माता जी। आप सरकार से और कुछ बोलिएगा? और क्या बोलेंगे,